हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फेसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्यों आए थे। कल हमने यही पढ़ा था कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का आने का बेसिक रीज़न यही था कि जो पब्लिक सेक्टर्स थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, वो क्या हो रहे थे, वो लॉसेस में जा रहे थे, और कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा हो रही थी। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिक कौन कौन से चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस क्यों आए। देखिए, अब 1991 में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे और फॉरेन सेक्टर बैंक्स थे, उन्हें परमिशन मिल गई कि वो इंडिया में आकर अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर बैंक्स खोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, हमने ये भी पढ़ा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी थी, प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, क्योंकि वो बेटर, उनके पास बेटर रिसोर्सेज होते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो क्या था जो मेन कंपटीशन था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो किसके साथ हुआ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ और फॉरेन बैंक्स के साथ। तो देखिए, एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ चैलेंजेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सामने आते गए। सबसे पहले कंपटीशन बढ़ गया, पॉइंट यही है ना, इंक्रीज्ड कंपटीशन। इंक्रीज्ड कंपटीशन में क्या है, नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बढ़े और फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, जैसे कि ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक। और फॉरेन बैंक्स की बात करें तो सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, इन्होंने लार्ज स्केल में अपनी ब्रांचेस इंडिया में सेटअप करी। तो इनकी जो सर्विसेज थी वो बहुत बेटर थी, ताकि ये लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया किसके सामने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सामने। सेकंड पॉइंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि जो हमारे फॉरेन सेक्टर बैंक से या प्राइवेट सेक्टर बैंक से, उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वहीं पर पब्लिक सेक्टर बैंक में कंप्यूटराइजेशन तो हुआ, लेकिन वहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे उन्हें टेक्निक की नॉलेज ही नहीं थी, और टेक्निक की नॉलेज ना होने की वजह से किस चीज़ की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि जो डेफिशिएंसी आई, किस चीज़ में डेफिशिएंसी आई, उनकी वर्किंग में, क्योंकि उन्हें नए नए रिसोर्सेज के बारे में पता ही नहीं था, नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर रह गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सामने। नेक्स्ट है मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फॉरेन सेक्टर बैंक्स की बात करें तो ये क्या कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर बैंक से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। कैसे, डोर स्टेप बैंकिंग प्रोवाइड करके, कि आपने क्या करना है, आप सीधा जो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से अपने एम्प्लॉयज़ को सीधा कस्टमर के डोर स्टेप पे, कस्टमर के घर भेजकर उसका अकाउंट खुलवाना है, उससे कलेक्शन करनी है या कुछ भी करना है उसके डोर स्टेप पे। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी पहले। आजकल तो नेशनलाइज बैंक भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पहले क्या था कि ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा था, और ज़्यादा बेटर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा था, फॉरेन सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और यही एक लैक बन गया किसके सामने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सामने। नेक्स्ट हुआ मर्जर एंड एक्विजिशन। देखिए, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी, जैसा कि हमने लास्ट भी बात किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्जर मांग रहे थे, जो आजकल अगर हम 2019 और 20 की सिचुएशन देखें तो बहुत सारे बैंक्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। ये नीड थी, टाइम की नीड थी। तो यही था कि मर्जर और एक्विजिशन की बहुत ज़्यादा नीड थी, जबकि हमारे अगर फॉरेन सेक्टर की बात करें या पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो वो पहले से ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, उनका कैपिटल बेस भी अच्छा था और उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एसेट स्ट्रक्चर, जिसे मैं जैसे कल मैंने डिवाइड किया था स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं, वो भी अच्छा था। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और एरियाज़ में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कैसे, इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहिए, डीलिंग इन डीमैट शेयर अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर ब्रोकरेज सर्विसेज, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या थे, सिर्फ एक ही सर्विस के ऊपर अपना प्रॉफिट बेस कर के रखा हुआ था। वो कौन सी सर्विसेज थी, कि सेविंग ली, कि अपना लोगों से डिपॉजिट्स लिया और डिपॉजिट के बदले लोन दिया,
लेकिन अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या करना चाहिए था, दूसरे एरियाज में भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए था, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया और ब्रोकरेज सर्विसेज हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, 1991 से पहले से काम कर रहे थे वहाँ पर एम्प्लॉयज़, उन्हें नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी। और अगर कस्टमर रिलेशन की बात करें तो जो कस्टमर्स आते थे उनसे भी अच्छे से बात नहीं करते थे। और आज की बात भी करें, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हैं तो आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में? SBI में चले जाओ, सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है, तो अच्छे से बिहेव नहीं करते। ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स है, आप गूगल खोल के देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, कि क्या करते हैं बैंक वाले, चक्कर ही लगवाते रहते हैं, टाइमली सर्विस प्रोवाइड नहीं लगते, कहीं कहीं घंटे लग जाते हैं। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या कर रहे थे कि बहुत अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे कि आपके घर से ही काम हो रहा है सब कुछ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक का जो कर्मचारी है वो आपके घर तक आकर आपका काम करके दे रहा है। नेक्स्ट है मैनेजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या कर रहे थे, फेल हो रहे थे, अपने डिबेंचर जिनको लोन दिया हुआ था उनसे पैसा निकलवाने में, कि पैसा तो दे दिया, उधार दे दिया। अब सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, विजय माल्या कितना सारा पैसा लेकर पंजाब नेशनल बैंक का भाग गया, तो वो क्या हो गया, इतना सारा लॉसेस में आ गया ना। उसके बाद एक ललित मोदी के नाम से भी आया शायद, ठीक है। तो ये क्या था, इनके पास क्रेडिट स्कीम्स इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। नेक्स्ट आया रिसर्च एंड मार्केट सर्वे। रिसर्च एंड मार्केट सर्वे में क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक से वो इस साइड ध्यान ही नहीं देते थे कि मार्केट सर्वे करना चाहिए, कस्टमर की नीड्स को देखना चाहिए कि क्या क्या मार्केट में नई चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक लैकिंग पॉइंट बन गया पब्लिक सेक्टर बैंक के सामने। अगर हम अदर चैलेंजेस की बात करें तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2011-12 में या 8-9 में, पब्लिक सेक्टर बैंक उसे झेल ही नहीं पाए, ठीक है, कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वो समझ नहीं पाए। नेक्स्ट आया रिलेशनशिप बैंकिंग की साइड ध्यान नहीं दिया। रिलेशनशिप बैंकिंग क्या होता है, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन कैसे मेंटेन करें। नेक्स्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, कि प्रेशर आ गया किसी पॉलिटिकल पार्टी का कि इस बंदे को लोन देना ही देना है, तो एक कर्मचारी को अपनी नौकरी बचाने के लिए वो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस देयर सर्विस चार्जेस। ये क्या थे, बहुत ज़्यादा सर्विस चार्जेस इन्होंने हाइक किए हुए थे। अगर सर्विस चार्जेस हाइक है तो कस्टमर किधर जाएगा, जहाँ पर सर्विस चार्जेस उसे लो मिलेंगे। और क्या करना चाहिए, अगर देखें तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, कि आप एक बार बैंक में चले जाते तो आपका पूरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है, तो ये भी एक ड्रॉबैक, एक चैलेंज बना। नेक्स्ट पब्लिक डीलिंग आवर्स इंक्रीज होने चाहिए। कुछ बैंक कह देते हैं कि हमारा तो बैंक का टाइम 3 बजे तक है, आप 3 बजे तक ही काम करा सकते हो, अगर थोड़े से वर्किंग टाइम बढ़ाएं तो लोगों के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट इंटरनल चेक एंड कंट्रोल बैंक्स में नहीं था, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर रह गया पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और टॉपिक जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।